नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना दे रहा हूं जो होली पर करने की साधना है। 3 घंटा 36 मिनट का टाइम निकालो, होली के दिन होली की रात ये साधना कर लो। साधना कर लिया, पलट के जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब से गरीब आदमी, भिखारी से भिखारी आदमी, सड़क पे बैठा हुआ आदमी, चौराहे पे बैठा हुआ आदमी, भीख मांग के खाने वाला आदमी भी इस साधना को कर ले तो कुछ ही समय में ऐश्वर्यवान बन सकता है, धनवान बन सकता है, राजा के समान बन सकता है। ये बातें नहीं है, हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, सत्य बात कह रहा हूं। भारत में ऋषियों मुनियों ने इतनी कृपा की है इस देश पर कि आप यदि जूझ रहे पैसे पैसे के लिए और ग्रह नक्षत्रों की परेशानियों से बंध गए हैं और आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आ रही है, धंधा पानी सब बंद हो गया है, एक साधना है 3 घंटा 36 मिनट होली की रात कर लो और देखो चमत्कार, रोज आपका धन बढ़ता रहेगा। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन नुकसान लग जाए, रोज आपका धन बढ़ता रहेगा और जीवन भर बढ़ता रहेगा। है ना जोरदार साधना। साधना क्या है? होली की रात मां काली को प्रणाम करें, मां काली के मंदिर जाएं, पहले उन्हें सुहाग सामग्री प्रदान करें, काली साड़ी दें, काली चूड़ियां दें, बिंदी दें, वो सब जितना होता है ना, स्त्रियां क्या क्या पहनती है वो सब चीजें, उनकी टोकरी बनती है माता जी की, उस टोकरी में माता जी की चुन्नी वगैरह सब कुछ उसमें आता है, वो सब भेंट दें। काले गुलाब जामुन माता जी को भेंट दें और कहें कि मां, आज मैं दरिद्रता मिटाने के लिए या धन प्राप्ति करने के लिए या ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए या आलिशान जीवन जीने के लिए या तुम्हारी कृपा से आलिशान जीवन जीने के लिए मां काल कर्णिका की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना। और काल कर्णिका की कृपा से मेरा जो काल चल रहा है वो काल बढ़िया हो जाए, समय जो चल रहा है मेरा, टाइम जो चल रहा है वो अच्छा हो जाए, मदमस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए, आनंदमय हो जाए। अब प्रार्थना करके माँ जी से आना, आकर के फिर रात्रि काल में साधना करना। रात्रि काल में स्नान आदि करके पूर्ण पवित्रता से काले आसन पर विराजमान होकर के या लाल आसन पर विराजमान होकर के शुद्ध सिद्ध साधित प्राण प्रतिष्ठित सफेद हकीक की माला आपके पास होनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, देखिए इसमें दक्षिण में नहीं करना है, अगर आपको इसी साधना को दूसरे कामों में करना हो तो फिर दक्षिण दिशा होती है, उसका मैं बता ही नहीं रहा हूं, मैं बता ही उत्तर दिशा की तरफ रहा हूं, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बता रहा हूं। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मां काली का मानसिक स्मरण करके, मां काल कर्णिका का मानसिक स्मरण करके आसन पर विराजमान होकर के, और अब आपको अलाव अपने सामने जला लेना है, आग जो आग उसकी आएगी, होली जलाएंगे ना तो होली की जो आग बनती है वो आग लेके आनी है साथ में, वो आग लेके आनी है, उसी आग को अपने सामने जलाना, उसी आग को अपने सामने जला लिया। आपके पास ढाक की लकड़ियां होनी चाहिए, ढाक की लकड़ियां, डाक की लकड़ियां, शहद और घी, ये तीन चीजें आपको चाहिए। डाक की लकड़ियां जलाते रहना, बीच में शहद डालते रहना थोड़ा थोड़ा, बीच में घी डालते रहना, शहद डालते रहना, घी डालते रहना, शहद डालते रहना, लकड़ी कम पड़ जाए तो लकड़ी डालते रहना। और आपको 3 घंटा 36 मिनट माला तो फेरनी है लेकिन घड़ी देख के साधना करनी है। साधना कर ली, अब आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास साधना का और ज्यादा जबरदस्त प्रभाव हो तो आप इस साधना को आगे बढ़ाइएगा। है तो एक रात की, एक रात कर लोगे बहुत है, लेकिन आगे बढ़ाइएगा, मेरे कहने से आगे बढ़ाइएगा, मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना आनंद आएगा, कल्पना नहीं कर सकते, आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, पलट के देखना नहीं पड़ेगा। आप इस साधना को 21 दिन भी कर सकते हैं, 31 दिन भी कर सकते हैं और 42 दिन भी होली से कर सकते हैं, इतना अद्भुत आनंद आएगा, इतनी अद्भुत तरह तरह के मतलब रास्ते खुल जाएंगे, धन के कई रास्ते खुल जाएंगे, इतना धनवान बन जाओगे। इस प्रकार से साधना होती है,
माला को अपने गले में ही रखना, सिद्ध माला हो, किसी को भी छूने मत देना, ये आपके नाम से ही सिद्ध होती है। उस माला का पूरा ख्याल रखना, वो माला ही सब करामात करती है। ओम ह्रीम क्लिम काल करणी के ठ ठ स्वाह, ओम ह्रीम क्लिम काल करणी के ठ ठ स्वाह, इस मंत्र का जाप करके आप उस उच्चोत्तर शक्ति से अपने जीवन की सारी दरिद्रता को नष्ट करवा सकते हो और एक आलिशान वैभवमयी जीवन जी सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।